अच्छा आप आई। सुमी जी कहाँ पे है? सो रही है। अभी भी सो रही है? हाँ। 9:30 बज गया। एक्चुअली हम लोग कल लेट नाइट तक पिक्चर देखे इसलिए। मतलब मैडम को दवाई देना भूल गया? बुलाओ क्या? हाँ हाँ आप बैठिए, वो 2 मिनट में आ रही हैं। ओके ओके। बोलो मुकुंद भैया, आज इतना जल्दी जल्दी नींद से उठा दिया। मैडम एक बुरी खबर है। तुम तो कभी अच्छा खबर लाए ही नहीं, बोलो क्या है? सॉरी टू से, तिलक राज फिल्म्स आपके साथ दिल बचपना मूवी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। व्हाट? फिर से? लेकिन क्यों? सुमी को? मुकुंद जी जल्दी जाइए, मैडम के लिए दवाई लेके आइए। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा गंदा गेम खेल रहे हो? दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव बीन चीटेड। मेरे साथ क्यों ऐसा धोखा हो रहा है बार बार? अभी मैं सबको कैसे मुंह दिखाऊंगी? सबने मना किया था मुझे इस प्रोफेशन में आने के लिए। क्या कमी है मेरी एक्टिंग में? क्या ये किरण जी का चाल तो नहीं है? उस दिन पार्टी में हाय सुष्मिता। हाय किरण जी, हाउ आर यू? I'm fine. बस आजकल इंडस्ट्री में सिर्फ आपका चर्चा चल रही है। मेरे साथ हाथ मिलाइए। स्टार्टअप की सीढ़ी तो मेरे पास है। क्या बात है? That's a great proposal. हाँ। I'll be honored to work with you, किरण जी। बस छोटा सा सैक्रिफाइस, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। Okay, tell me. बस थोड़ा सा गिव एंड टेक। चलिए ना 2 दिन के लिए मालदीव्स घूम के आते हैं। Only you and me. हम भी खुश, आप भी खुश।
How dare you? I'm not a whore. ऐसा है क्या? तो ठीक है, जाइए शादी करके हस्बैंड के साथ फैमिली प्लानिंग कर लीजिए, आपके लिए सूटेबल रहेगा। अच्छा मुकुंद जी, आपको क्या लगता है सुमी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आफ्टर ऑल शी इज टैलेंटेड और उसको अवार्ड भी तो मिला है इन हर डेब्यूट फिल्म। हमको ऐसे लग रहा है कोई उनके साथ गेम खेल रहा है जो काफ़ी पावरफुल है इस इंडस्ट्री में, उनके जगह किसी और को। अच्छा, इसका मतलब नेपोटिज्म। क्या बोला? नेपोटिज्म। हाँ नेपोटिज्म, इसका मतलब कोई पावरफुल इंसान किसी का काम छीन करके किसी अपने वाले को दे देती है। जैसे कि कोई टैलेंटेड इंसान से काम छीन करके किसी ऐसे आदमी को दे दी जाती है जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं। इस गंदे सिस्टम ऑफ फेवरिंग को ही नेपोटिज्म कहा जाता है। सोमी जी तो अच्छे इंसान है, उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है? वो तो सुमी को ही पता होगा। हाँ किरण झा, उस कमीने ने मुझे सबके सामने बिस्तर में जाने का ऑफर किया, हमको स्टारडम दिखाएगा। मैंने सबके सामने थप्पड़ मारा। मुझे भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? हाँ मैडम जी, अभी लाता हूँ। ग्रीन टी मिलेगी? हाँ मैं बना के ला रही हूँ। मुकुंद भाई, तुम खड़े क्यों हो? बैठो, खाना खत्म करो। अगले महीने पता नहीं मैं तुम्हारी सैलरी। मैडम एक बात बताए, बुरा मत मानिएगा। हाँ बोलो, इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? आप एक बार बोले तो मैं कंट्रोल बिजली प्रोडक्शन हाउस से बात कर सकता हूँ। OTT प्लेटफॉर्म है ना? हाँ लेकिन अच्छा काम कर रहा है, बड़ा बड़ा वेब सीरीज उसी हाउस से रिलीज हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस गोज टू सुष्मिता बोस फॉर द मूवी जिंदगी का एक पल। मुकुंद भैया इज करेक्ट। अरे यार एक बार बात तो करके दे। मुझे अभी जाना है।
मुकुंद भैया, कल तो दवा खत्म हो जाएगी। ठीक है, शाम को ले आऊँगा, ट्रांसफ़र कर दो। क्या? पैसा दवाई के लिए। मैंने परसों ही तुमको 2000 दिया। खर्चा हो जाता है मैडम। ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में देखती हूँ। मुझे किरण जी का ऑफर मान लेना चाहिए था। एटलीस्ट इट कुड हैव बीन बेटर देन दोस क्रैप। हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। माय फादर वाज अ डॉक्टर। इवन आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर। क्यों मैंने MBBS अधूरा छोड़ दिया? सब मेरी गलती थी। ये ग्लैमर की दुनिया सिर्फ ऊपर से जगमगाती है, अंदर से कीचड़ भरा हुआ है। दिस ब्लडी किरण ने मुझे बर्बाद कर दिया। They all ruined me. डिप्रेशन अच्छा नहीं है यार। ये इंडस्ट्री ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं मर जाऊंगी। मुझे चुप चुप बोल यार, चुप चुप बोल। और हम लोग हैं ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। लेट मी ब्रिंग द मेडिसिन फॉर यू। ओके, तू सो जा। बेटा मेरा, कितना अच्छा रिजल्ट किया। क्लास में फर्स्ट, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमको भी मेरे जैसे अच्छा डॉक्टर बनना है ना? हाँ पापा, मुझे भी आप जैसे
अच्छा डॉक्टर बनना है, स्टेथो लेके दिल की धड़कन सुनना है। And the award for best debut actress goes to Susmita Bose for the movie Zindagi Ka Ek Pal. ये खाना है और दवाई है। अच्छा आओ। मैडम कैसा है? सो रही होगी, मैंने तो दवा दे दी थी। बता मुझे, मैं कैसी लग रही हूँ? यू आर लुकिंग फैबुलस। अच्छा ये तो बता, तू कहाँ जा रही है इतना सच के? ऑडिशन है। अच्छा मैडम, मैडम बैठिए मैडम। अब ठीक लग रही है ना? वाओ, वेरी नाइस। मेरा फोन किधर है?
हाँ ये ले। मुझे ना बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ मिलेगा? घर में तो कुछ नहीं है यार, मैगी बना के लाओ। मैगी? यक। प्लीज यार, आज तू मैगी खा ले, कल तुझे ना मैं अच्छा सा खाना बना के खिलाऊंगी, प्रॉमिस। प्लीज। और दवा भी तो खाना है। ले, खा ले। यक। I hate मैगी। ठीक है, छोड़ दो। मैं दवा लाती हूँ, ओके? तीन दवाई? क्यों? डॉक्टर ने कहा है, खानी तो पड़ेगी। अच्छा खाना है। थैंक यू।
थोड़ा देर पहले फोन आया था। हाँ, सुबह मुझे भी कॉल किया था। हाँ, काम हो गया। हाँ, बिल्कुल सुसाइड लग रहा है। अभी तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, उनका डर था कि किरण जी उनका खिलाफ है। हाँ ठीक है, सोशल मीडिया में अपडेट दे देंगे। लेकिन मेरा भी काम हो जाना चाहिए। ठीक है।